टाइम हो गया, अभी तक आया नहीं। हेलो, नमस्ते। हेलो, मैं आया हूँ, मुझे बोलना है, शेयर करना है। मुझसे बोलना है? हाँ बोलो बोलो बोलो। दुनिया के सब लोग बहुत बीमार, बहुत मरे हैं, हॉस्पिटल में गए। तुम क्यों मारता है सबको? मुझे बहुत दुख होता है। बहुत लोग मरे हैं, मैं क्या करूं? क्या करूं क्या? तू समझता नहीं है, दुनिया के इतने लोग मरे हैं, दुख हुआ है, तुझे नहीं समझता? तू क्यों पूछता है? तुझे क्या करना है? लोग मरे, मरने दो ना। ए, अरे मरते हैं तो क्या? दिमाग है क्या तुझे? कुछ दिमाग है? लोग इतने मरे हैं, उनके बच्चे, पत्नी, माँ बाप कहाँ जाएंगे? सब मरने दो। पूरी दुनिया में, परिवार में कोई प्रेम नहीं है, तुझे समझता है? एक बच्चा होता है, उसे हॉस्टल में भेजते हैं पढ़ाई के लिए, कहाँ प्रेम है परिवार में, कहाँ है? दूसरा बताता हूँ, बच्चे बड़े हो जाते हैं, बड़े होने के बाद बाहर बाहर ही रहते हैं, वो कहाँ परिवार में आते हैं? आते नहीं, प्रेम नहीं है, परिवार महत्वपूर्ण रहता ही नहीं। समझता है? कुछ फायदा नहीं। तुझे समझता है? दुनिया में सब सेम नहीं है, भारत देश अलग है। भारत में सब लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, थोड़ा टाइम वो बच्चे बड़े होने तक हॉस्टल में रहते हैं, बाद में वो अपने परिवार में ही रहते हैं। समझा? समझते है क्या? नहीं। ये होता ही नहीं है। अरे तुझे कुछ नहीं मालूम परिवार कैसे है क्या है? मुझे मालूम है, मैंने देखा है। तुझे मालूम है परिवार में मम्मी पापा के पास बच्चे हैं और उनको पढ़ाई का ध्यान देने के लिए टाइम नहीं, सब मोबाइल पर रहते, पूरी फैमिली मोबाइल पर, बच्चों को कोई देखता ही नहीं है, फिर बड़े होने के बाद उनमें प्यार कहाँ से आएगा? समझा? तुझे मालूम है बच्चे बड़े होने के बाद उसे विदेश में भेजते हैं, वहाँ ही उसको नौकरी लग जाती है, माँ बाप बीमार है, कुछ है, तो उनके पास टाइम नहीं रहता, पैसे भेजते हैं तो कैसे चलेगा? उनके पास टाइम नहीं है, कहाँ प्रेम? समझो माँ बाप में से कोई मर गए तो भी उनके पास समय नहीं है, दूसरों को बोलते हैं तुम करो, कहाँ प्रेम है ये? ये तुझे मालूम है? तीसरी बात ये है कि बच्चे जब जवान हो जाते हैं सब बाहर ही करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, सब, उनके पास टाइम ही नहीं रहता है। चौथी बात, बच्चे बड़े होते हैं, शादी करते हैं, वाइफ ला पत्नी लेके आते हैं, लेकिन वो उसको माँ बाप को बोलते नहीं 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 इनको घर में नहीं रखो, आश्रम में रख दो, फिर परिवार में प्रेम कहाँ से आएगा? तो है प्रेम कहाँ है? पांचवा, माँ बाप गांव में खेती बाड़ी करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, पैसा जमा करते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं, और बच्चे को बाद में माँ बाप की शर्म आती है और वो वहाँ जाते हैं, फिर प्रेम कहाँ से? तुझे कुछ नहीं मालूम रे। तुझे मालूम है आजकल कोई परिवार प्रेम नहीं रहता है, सब पैसा 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 करते हैं, पैसा आना चाहिए बस, बाकी प्यार वार कुछ नहीं। अरे तुझे समझता है क्या? पूरी दुनिया में सब सेम नहीं है, 50% लोग पैसा 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 करते हैं और 50% लोग परिवार में रहते हैं,
उनके परिवार में प्यार रहता है। आज भी गांव में खेती करते हैं, मेहनत करते हैं, परिवार मिलके काम करते हैं, मगर आज व्यापार नहीं है। क्यों? क्योंकि कोरोना के कारण सब नुकसान हो गया है। हाँ किसान लोग, हाँ किसानों का खेती का बीज लगाते हैं, बैंक से लोन उठाते हैं, बीज लगाते हैं, बारिश नहीं आती है तो किसान का नुकसान हो जाता है, बैंक से पैसा कहाँ से देंगे, फिर आत्महत्या कर लेते हैं किसान, तब सरकार देखती नहीं है, हाँ क्या करती है, फिर गवर्नमेंट आती है, खाते है, जो पीते हैं वो किसानों के ऊपर है, फिर उनको मदद नहीं करनी है, लास्ट में पानी वगैरह देते हैं, पैसा देते हैं, पहले क्यों नहीं दिया कि जब किसान मर गए थे। प्यार कहाँ? हाँ मालूम, मुझे मालूम है, खेती में पहले बहुत लोगों ने आत्महत्या की, लेकिन अभी गवर्नमेंट बहुत मदद कर रही है, पानी नहीं है वो नहीं है तो पानी दे रही है, बहुत सारा मदद करती है, आज किसान बहुत खुश है। आज सब जगह क्या हुआ है, सब घर में बैठे पड़े हैं, किसी को बहुत दुख हो रहा है, किसी को कुछ काम नहीं है, खेती बाजी बेचना, ये फल बेचना, कुछ भी काम नहीं, काम करके लोग पैसा लेके आते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, मगर आज सब बंद है। गवर्नमेंट क्या करती है कि उनको खाना पीना देती है, लेकिन खाना काफ़ी है क्या, पढ़ेंगे कैसे, बड़े कैसे होंगे, उनके समझ में आता है कैसे, जवान बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेज में, वो पढ़ाई नहीं करेगी तो कैसे चलेगा, सब बंद है, पढ़ाई नहीं नहीं समझता है तुझे। हाँ मालूम, तुझे मालूम नहीं, 2 महीना घर में बैठेंगे तो क्या हुआ, तुझे तो पता है ना क्यों है, करो मत, देख कुछ भी होने दो, पहले बोलते थे तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, मर जाएंगे तो भी टाइम नहीं है, अभी कोरोना हुआ है तो जल्दी जल्दी आ रहे, तो पापा मर गए तो क्या फायदा, अंत में इसको कोई प्रेम बोलते हैं क्या, अभी प्रेम नहीं होएगा, अभी आते हैं, पहले नहीं टाइम नहीं। एक बात ध्यान में रखना, पहले सब जवान बाहर 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 जाते थे, काम के लिए बाहर, काम के लिए बाहर, टाइम नहीं घर में आने के लिए, मित्रों के साथ बाहर घूमने के लिए बाहर, बोलने के लिए टाइम नहीं, और अभी अभी कोरोना हुआ है तो माँ बाप के पास आ रहे हैं, नहीं नहीं हमको माँ बाप के पास रहना है, परिवार के साथ रहना है, अभी अभी सब लोग आ रहे हैं, बोल रहे हैं अपने परिवार के साथ रहते हैं, एक ही पहले नहीं था, पहले बार बार, समझा ये प्रेम, मुझे मालूम है सब बाहर बाहर जाते थे, अभी आ रहे हैं कोरोना के कारण आ रहे हैं, लेकिन अभी परिवार के साथ है, घर में रहते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, सब मुझे मालूम, सब गरीब लोग हैं तो उनका रोज का प्रॉब्लम है कि वो क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या व्यापार, सब बंद के कारण कुछ नहीं कर सकते, प्लीज़ इन सबको छोड़ो, नहीं मुझे मंजूर नहीं, मैं नहीं, तू कौन है, तू मानव है लेकिन मैं कौन हूँ बता, मैं इंसान हूँ, तू कोरोना है। मैं कोरोना नहीं 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 नहीं, मैं प्राणी हूँ, मैं जानवर हूँ, तू जानवर है, नहीं मुझे विश्वास नहीं है, तू कोरोना ही है। भी सब लोग प्राणी मार के खाते हैं और बाहर फेंक देते हैं, फेंकने के बाद उससे जो बनता है वो मैं कोरोना, आप समझे, सबसे मिलकर बन गया कोरोना, वो
मुझे दुख होता है, लोग बहुत प्राणियों को मार मार के खाते हैं, फेंक देते हैं, इसलिए मैं सबको मारता हूँ। लोगों को समझ में आना चाहिए, क्या है समझ में नहीं आता है, प्राणी और इंसान में फर्क रहता है, अलग अलग है दोनों। तुम इंसान को मारता है प्राणी और इंसान में बहुत फर्क है, समान नहीं। इंसान को भगवान जन्म देता है, समझे? वाह 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 वाह, कमाल। प्राणियों को भी जन्म वही देता है, सबका आत्मा सेम है। मैंने लोगों को मारा, सब परिवार को दुख हुआ, समझे? समान लोग प्राणियों को मारते हैं, उनका दुख को समझते नहीं है। मैंने लोगों को मारा, लोगों को दुख हुआ, समझो आप प्राणी, आपको क्या लगता है? समझ गया, आप जो बोल रहे हैं वो सब सही है। मैं समझा, प्राणी और इंसान समान है, मैं समझ। लोग प्राणी मार के खाते हैं, सब गलत है, मैं समझता हूँ गलत ही है। मैंने आपसे शेयर किया, और प्लीज कोरोना बढ़ाओ नहीं, स्टॉप करो। ओके, तुम्हारी बात सही है, आप सब प्राणियों को पक्षियों को घर में बंद करके मत रखना, उन्हें आप जंगल में छोड़ दीजिए, खुलेआम छोड़ दीजिए, जैसे इंसान को भी छोड़ दीजिए। हाँ, मैं प्राणियों को मदद करूँगा, उनको खाना दूँगा। मुझे उम्मीद है कि आप जैसा बोलते हैं वैसा करोगे, उम्मीद है कुछ दिनों बाद सब ठीक होगा। इंसान और जानवर, पक्षी, सब मिलके एक परिवार है, ध्यान में। इंसान, प्राणी, पक्षी, सबको ईश्वर जन्म देता है, सब एक फैमिली है, सही? धन्यवाद, आभारी। मैं कोरोना हूँ, मैं जल्दी ही दुनिया छोड़ के चला जाऊँगा। अब सब लोग, इंसान, प्राणी, पंछी, एक साथ रहिए सब। ओके, थैंक यू, बाय बाय बाय।